26 जुलाई 1999 आज ही के दिन हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे भारत देश की रक्षा करी और इस दिन की इतिहास के पन्नों में छाप छोड़ गए। आइए आज एक बार फिर याद करते हैं उन वीर सपूतों के संघर्ष को कि आखिर कैसे उन्होंने दुश्मनों से युद्ध कर हमारी और हमारे देश की रक्षा करी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष विभाजन के बाद से ही जारी रहा है। आए दिन LOC पर गोलीबारी होती रहती है। दोनों देशों का सैन्य बल कश्मीर के लिए संघर्ष करता रहता है। ये संघर्ष आज का नहीं, इसके पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो चुका है। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारत पाकिस्तान एक दूसरे के सामने था और भारतीय वीर जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे से कारगिल की ऊंची चोटियों को आज़ाद कराया था। इस जंग में कई जवान शहीद हो गए, लेकिन कारगिल युद्ध में विजय भारत के नाम कर गए। भारत की गौरवपूर्ण जीत और भारतीय जवानों की शहादत इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कारगिल की जीत और शहीदों की कुर्बानी की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस के तौर पर क्यों मनाते हैं? क्या है इस दिन का इतिहास जो हर भारतीय के लिए बन गया गर्व का दिन? विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी रहा। परिमाण स्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। हालांकि इसके बाद से भी दोनों देशों के बीच सशस्त्र युद्ध होते रहे। कश्मीर को लेकर जारी विवाद को कम करने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण समाधान का वादा करते हुए फरवरी 1999 में हस्ताक्षर किए, लेकिन नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ होती रही। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा विवाद के कारण 1999 में कारगिल का युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय क्षेत्र कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। बदले में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया। भारत के जवान सैनिकों ने पाकिस्तान घुसपैठियों को खदेड़ते हुए टाइगर हिल और अन्य चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारत पाकिस्तान के बीच ये जंग लद्दाख के कारगिल में 60 दिनों से अधिक समय तक जारी रही। 2 लाख भारतीय सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। सेना के मिशन को सफल बनाने के लिए कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसमें से एक कैप्टन विक्रम बत्रा भी हैं। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने युद्ध में विजय की घोषणा कर दी। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के 527 सैनिकों की शहादत के साथ पाकिस्तान के 357 सैनिकों ने भी जान गंवाई। आखिर में बस यही कहूँगा मैं, जय हिंद, जय भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।